हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट जो अपने लाइफ में मेहनत किया और एक स्किल को उसने पाया और वो था कि वो अपने आप को क्लोन कर सकता था, यानी कि अपने आप का डुप्लीकेट बना सकता था और कोई तीसरे इंसान को ये जानना मुश्किल हो जाता था कि रियल साइंटिस्ट कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। तो वो स्किल को इतना मास्टर कर लिया कि वो अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक फील करने लगा। तो हुआ कुछ ऐसा, कुछ टाइम के बाद एंजल ऑफ डेथ आए कि भाई चलो अभी तेरा टाइम हो चुका है। तो उस टाइम में उसने तो 10 क्लोन क्रिएट कर लिए एंड एंजल ऑफ डेथ को ये जानना मुश्किल हो गया कि ओरिजिनल साइंटिस्ट कौन सा है। तो वो कंफ्यूज होकर वापस चले गए। जैसे ही वो एंजल ऑफ डेथ वापस चले गए, वो साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा मज़ा आया कि भाई मैंने डेथ पे जीत पा लिया एंड वो बहुत ही खुश हो गया। अपने स्किल पे और अपने टैलेंट पे बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक फील करने लगा। कुछ टाइम के बाद एंजल ऑफ डेथ वापस आए और वो क्लोन के सामने खड़े होकर बस इतना ही कहा कि डियर साइंटिस्ट, आपका क्रिएशन बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन आपने एक मिस्टेक कर दी। और जैसे साइंटिस्ट ने यह सुना तो ओरिजिनल साइंटिस्ट बोल पड़ा या उससे रहा नहीं गया और उसने कहा कि मेरे से मिस्टेक इम्पॉसिबल है। और दोस्तों जैसे ही ये उसने कहा, एंजल ऑफ डेथ उसे लेकर गए। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अ बैड डे फॉर योर ईगो इज अ ग्रेट डे फॉर योर सोल। वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट इज टू बी चाइल्ड लाइक। दोस्तों चिल्ड्रंस और किड्स कैन बी रियल इंस्पिरेशन इफ यू वॉन्ट टू बी और लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है जो आपको वाव ऑफ द नाव बुक में मिलेगा, शायद ऑथर का नाम केवल गंगा नहीं अगर आप उसे पहचानते हो। दोस्तों उसके बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस लिखा है एंड दैट इज, स्ट्रेंज इट मे सीम, इट इज हार्डर टू नॉट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट देन टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। दिस इज बिकॉज एज ऑलरेडी मैंशन, प्रेजेंस इज अवर नेचुरल स्टेट। दोस्तों प्रेजेंस इज अवर नेचुरल स्टेट। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बॉडी और हार्ट ही प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, माइंड नहीं रह सकता। क्यों? बिकॉज माइंड हमेशा दो चीज के बारे में सोचता है, या तो उसका पास्ट या फिर उसका फ्यूचर। पास्ट के बारे में सोच के प्रेजेंट को बर्बाद करता है और फ्यूचर के बारे में सोच के भी बर्बाद करता है, और वो प्रेजेंट मोमेंट जो उसके सामने है, जो उसके साथ है, उसे शायद वो इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाता, राइट? और इसीलिए दोस्तों चिल्ड्रन कुड बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन बिकॉज वो हमेशा इन द मोमेंट रहते हैं। आई रिपीट, इन द मोमेंट, एंड दैट इज सो क्रूशियल। और आप अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम मैं बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। इट्स सो वंडरफुल टू अंडरस्टैंड दैट प्रेजेंट मोमेंट इज लाइफ। दोस्तों प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी है मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, एंड दैट इज, दोस्तों फास्टर स्नेल्स ने स्लोअर स्नेल्स को एक बार पार्टी के लिए इन्वाइट किया। स्लोअर स्नेल्स को जैसे ही इन्विटेशन मिला वो तुरंत जर्नी के लिए आगे बढ़ गए बिकॉज उनको पता था वो बहुत स्लो है, शायद पहुँच ना पाए। तो वो रास्ते जब उन्होंने जर्नी शुरू की तो उनका रास्ता ऐसा था कि उनको फ्रेश फार्म्स यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उस फार्म में थे, वैसा रास्ता उन्होंने चुना और वो हर एक चीज़ को एंजॉय करते करते हुए, टेस्ट करते करते हुए जा रहे थे। हुआ कुछ ऐसा, दो दिन के बाद जब वो पार्टी पॉइंट पर पहुंचे तभी उन्होंने देखा कि पार्टी तो खत्म हो चुकी है एंड वहाँ पे जो भी स्नेल्स थे उन्होंने कहा कि अरे भैया सॉरी कि आपके लिए अभी कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। और वो स्लोअर स्नेल स्माइल करते हैं और जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे मैं एंजॉय करते करते रास्ते में बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंजॉय करते करते आया, वैसे ही उसी रास्ते से रिटर्न जाते हुए वापस मैं एंजॉय करूँगा, नॉट एन इश्यू। दोस्तों दिस इज एन एक्सेलेंट स्टोरी फॉर मी, फॉर एन इंस्पिरेशन। दोस्तों हम कभी भी अगर वॉक पे जाते हैं गार्डन में तो आर वी माइंडफुली वॉकिंग कि बस चल रहे हैं, ध्यान मोबाइल में है और बस वॉक कर रहे हैं? दोस्तों हमारे आसपास क्या हो रहा है, सराउंडिंग्स में क्या है, नेचर में क्या है, शायद हम मिस कर जाते हैं बिकॉज हमारा फोकस शायद मोबाइल पर है या किसी और चीज़ पर है, राइट? दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस जो आपको वापस ये बुक में मिलेगा एंड दैट इज कि इफ यू आर ऑलवेज रेसिंग टू द नेक्स्ट मोमेंट देन व्हाट हैपन्स टू द वन यू आर इन। मतलब कि
अगर आप हर टाइम नेक्स्ट मोमेंट पे फोकस करेंगे तो जिस मोमेंट में आप है उसका क्या होगा। कहने का मतलब सिंपल है, जो भी कर रहे हो 100% फोकस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करो एंड सी द मैजिक। दोस्तों आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस फ्रॉम पास्ट ओवर 3 years एंड एक बहुत ही अलग ही अवेयरनेस क्रिएट होता है। इट्स सो वंडरफुल टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एक्सपीरियंस लाइफ बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको प्रेजेंट मोमेंट के बारे में और ज़्यादा लर्निंग चाहिए तो दोस्तों आई विल रिकमेंड कि आप ये बुक जरूर पढ़ें, वाव ऑफ द नाव, जो नंबर 1 अमेज़न बेस्ट सेलर है। आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो और आपके पास एक ऑप्शन भी है ई बुक भी आप पढ़ सकते हो जो आपको लिंक में मिल जाएगा। राइट, थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपको नए वीडियो, नए कंटेंट और नए शेयरिंग्स मैं जरूर देते रहूंगा और आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राइट नाउ।